क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दैट इज अम्प्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक

कंप्लीट मतलब सपोज यहां ए से उसने चलना शुरू किया एंड आफ्टर कवरिंग द पार्ट इट विल रीच द पॉइंट ए एंड ही टेक थर्टी सेकेंड तीस सेकेंड लगते हैं उसको जो डायामीटर है जो डायामीटर है इसका दैट इज टू हंड्रेड मीटर 200 मीटर का उसका डायमीटर है मतलब रेडियस जो है दैट कम्स आउट टू बी 100 मीटर सो व्हाट वी हैव टू टेल इज की एट द एंड ऑफ थ्री मिनट्स एट द एंड ऑफ थ्री मिनट्स एंड 45 फाइव सेकेंड वट विल बी हिज पोजिशन या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइक व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग डिसप्लेसमेंट अगर किसी टाइम पे द बॉय इज एट दिस पॉइंट बी तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट सो वी नीड टू टेल आफ्टर 3 मिनट्स 3 मिनट्स एंड फाइव सेकेंड तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो 3 मिनट का मतलब 3 60 प्लस फोर्टी फाइव तो दैट इज वन 45. प्लस फोर्टी फाइव तो ये आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव सेकेंड दो पच्चीस सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन बतानी है अब वो तीस सेकेंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो इफ यू द 225 ट्वेंटी फाइव विदी द क्वेश्चन दैट यू विल गेट दैट विल बी सेवन सेवन फिफ्टीन बाय थर्टी इतने चक्कर वो लगा लेगा सात चक्कर वो कंप्लीट कर लेगा और हर एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद इट विल गेट बैक टू द इनिशियल पोजीशन मतलब हर एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है भाई यहां से चलना शुरू किया यहां से चलना शुरू किया यहीं पर पहुंच गए हैं यहां से चलना शुरू किया यहीं पर पहुंच गए हैं, तो यही इनिशियल है यही इनिशियल है और यही फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो सात चक्कर के बाद ध्यान से समझिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है पंद्रह सेकंड एक्स्ट्रा बचती है पंद्रह सेकंड एक्स्ट्रा बचती है तो पंद्रह सेकंड तीस सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट है तो पंद्रह में क्या करेगा आप सर्कल हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो जब हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा यहां से चला है सपोज तो कहां तक पहुंचेगा यहां तक. This is the distance. ये जो कर्व्ड है डिस्प्लेसमेंट ये तो ये ये है displacement. ये कितना गिवन है 200 मीटर सो करेक्ट आंसर इज 200 मीटर थ्री मिनट एंड फोर्टी फाइव सेकेंड के बाद जो लड़का है वो 200 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर कर लेगा अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता डिस्टेंस पूछ लिया जाता तो वो हाफ सर्कल था यानी कि पाई आर यानी कि 3.14 पॉइंट वन फोर इंटू टू अपॉन टू थ्री वन फोर मीटर लेकिन ये सिर्फ इसका था सात चक्कर में उसने जो कैलकुलेट कवर किया है सात चक्कर भी तो लगाए टू बाई तो ये आपके पास डिस्टेंस होता बट हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट सो आई होप आपको ये समझ आया होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज टू हंड्रेड मीटर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू एन ऑब्जेक्ट वेज न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है वो नो न्यूटन है अर्थ के ऊपर अब हमें उसके वेट को एक ऐसे प्लेनेट पे कैलकुलेट करना है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो नाइन टाइम्स है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू अर्थ एक बार क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं एन ऑब्जेक्ट वेज नाइन न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वट वुड बी इट्स वेट वेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अनेट वेक्सिलेशन डू टू ग्रेविटी बहुत सिंपल सा सवाल है देखिए वेट जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एम जी वेट को हम कैलकुलेट करते हैं एम जी इट मींस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी तो अगर जी इंक्रीज होगा तो वेट भी बढ़ जाएगा डब्ल्यू ऑन अर्थ इज नाइन न्यूटन So, w ऑन प्लैनेट विल बी एम जी डैश मास क्योंकि कांस्टेंट है मास क्योंकि कांस्टेंट है अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो डब्लू पी अपॉन डब्ल्यू एम जी डैश अपॉन एम जी एम से एम कैंसिल डब्ल्यू पी विल बी डब्ल्यू ई इंटू जी डैश इज नाइन टाइम्स ऑफ जी जी से जी कैंसिल

द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम इज ऑल्सो डबल इसके लिए इट इज रिक्वाय दी शुड नो दैल्यू द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदोर्स विच इज गिवन बाय जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर दो दो वेट दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इफ आई एम सेइंग दैट आर टू एक ये रहा एक ये रहा इसका मास है एम वन इसका मास है एम टू एंड लेट जस्ट से दैट दीज टू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल आर आप स्मॉल आर भी ले सकते हैं कैपिटल आर According to the question, what happened to the gravitational force between the two object if the mass of one object is doubled and the distance between them is also doubled? मतलब कि let's say हमने कह दिया है कि इन्होंने m1 को कर दिया twice of m1, m1 dash, twice of m1 and r prime को इन्होंने कर दिया है 2r. सो व्हाट वी हैव टू टेल इज अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी होगी तो एफ डैश जो आपके पास आएगा दी टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय टू आर स्क्वायर और ये आ जाएगा टू बाहर रख लीजिए जी एम वन एम टू फोर आर स्क्वायर तो वन और तो आप देख सकते हैं एफ डैश इज वन बाय टू जी एम वन एम टू बायर स्क्वायर सिंपल तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ एफ यानी कि हाफ हो जाएगी हाफ ऑफ एफ द फोर्स विल बिकम हाफ हाफ रह जाएगी चलिए जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सी द फोर्स वुड बी हाफ ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है वो क्यों होती है दैट इज ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रेक्शन जो मॉइस्चर है द मोइस्चर इन एटमोस्फेयर एक्ट एज अ इंटरफेस एक्ट एज अ इंटरफेस तो लाइट जो है

कन्वेक्स 15. 15 so real image. Real image लेंस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस ये प्रिंसिपल एक्सेस ने ऑब्जेक्ट सो दट वी कुड गेट रियल इमेज रियल इमेज बनेगी दूसरी साइड लेंसेस केस में क्योंकि रिफ्रेक्शन होता है रिफ्रैक्शन होता है तो आपको जो इमेज मिलेगी वो दूसरी साइड मिलेगी अगर मिरर के केस में पूछता तो इसी साइड तो अगर सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है मैग्निफिकेशन इज वी अपॉन यू सेम साइज का मतलब सॉरी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो वी भी थर्टी ही आनी चाहिए फॉर्मूला है हमारे पास वन अपॉन एफ इज आपको फोकल लेंथ पता है साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा कन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगी इज इक्वल्स टू कन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगी वन वी यू बिल्कुल बराबर है लेकिन यहां पर ये मत कीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं मैं फिर से कह रहा हूं टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन वी सिंपल माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन वी तो जब वन अपॉन वी की बात करेंगे अपॉन अपॉन इज़ सेंटीमीटर और अगर वी थर्टी है तो यू भी थर्टी ही होगा तो सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ऐसे थोड़ा सा डायग्राम ठीक करना पड़ेगा ऐसे यहां पे तो दैट टू इज आल्सो थर्टी सेंटीमीटर अगर आप इसको स्केल से बना करके देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा यहाँ पे मैंने फ्री हैंड बनाया है तो साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट ऑलमोस्ट सेम सेम ही आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर दैन वन तो याद रखिये इफ एम मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इफ एम इज नेटिव रियल एंड इनवर्टेड ये बताता है नेचर रियल एंड इनवर्टेड दिस विल नेचर ऑफ द इमेज इमेज का नेचर बताता है इमेज का जो है वो नेचर बताता है इमेज का नेचर बताता है साइन मैग्नीट्यूड, ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन तो मैग्नीफाइड, ग्रेटर देन वन तो मैग्नीफाइड ये चीज़ आप याद रखें अब प्लस टू है पॉजिटिव भी और ग्रेटर है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी सबसे पहली बात इन्वर्टेड नहीं होगा बिल्कुल भी आउट कीजिए वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इज स्मर और लार्जर कोर्स लार्जर प्लस टू तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस जर देन द ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेजी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो बहुत ज्यादा करंट एकदम से बढ़ जाएगा दो जो टर्मिनल थे पॉजिटिव नेगेटिव अब वो मिल चुके हैं अब उनकी वजह से जो एक फ्लो बना हुआ था वो मिल चुके अब इलेक्ट्रॉन को कोई रास्ता नहीं ट्रेवल करना एक टर्मिनल से निकला दूसरे में एकदम से पहुंच के तो बहुत ज्यादा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ये ठीक है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट विल बी पैडल स्ट्रेट लाइन दिस इज ऑल्सो करेक्ट अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूज नो 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 अर्लियर इट वॉज रेड नाउ इट इज ब्राउन ब्राउन नॉट ग्रीन पहले रेड करते थे अब ब्राउन है ग्रीन इज बेसिकली अर्थिंग वायर जो अर्थिंग के लिए हम लोग वायर यूज करते हैं दैट इज ग्रीन सो दिस इज नॉट करेक्ट दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यस व करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर देखिए सिल्वर इज द कंडक्टर नाइक्रोम इज एन एलॉय ग्लास इज अफको इट इज एन इंसुलेटर तो यहां पर द करेक्ट इज दिसवर नाइक्रोम एंड ग्लास सी सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। यस, चलो सिल्वर नाइक्रोम एंड ग्लास ए ऑप्शन। दिस वन इज करेक्ट फर्स्ट वन नाइक्रोम इज एन अलॉय फॉर इट रेजिस्टिविट इज लाइक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इट विल नॉट चेंज विथ टेम्परेचर बट ग्लास तो वैसे ही एक जो है आपके पास बैड कंडक्टर नेक्स्ट दैट सेट इन दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे समझ आए होंगे इसी तरह पढ़ाई करते रहिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद